सर, आपके डिग्री कॉलेज नौशहरा में प्लांटेशन ड्राइव की जा रही है, खास करके आज आपके डिग्री कॉलेज परिसर में जो पौधारोपण किया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या मानना है? ये प्लांटेशन ड्राइव हम टाइम टू टाइम कॉलेज में कैरी आउट करते रहते हैं, जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। और ये सारा जो प्लांटेशन हम कॉलेज में करवाते हैं, इसका मेन मकसद यही रहता है कि बच्चों को एक मैसेज दिया जाता है कि वो अपने घरों में, अपने एरिया में भी प्लांटेशन करें और इस पूरे इन्वायरमेंट को नीट एंड ग्रीन बनाएं। आज हमारे साथ यहाँ पे सोशल वर्कर श्री विनोद शर्मा जी आए थे और उनके साथ मिलके हमने प्लांटेशन ड्राइव की है। तो विनोद जी ने इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम किया है और जब भी हमारे कोई प्लांटेशन का या कोई भी सोशल वर्क का काम होता है तो ये हमेशा हमारे साथ मिलके, तो कंधे से कंधा मिला के ये काम करते हैं। तो इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट के भी हमारे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं या रैलीज होती हैं, तो वहाँ पे भी ये हमारे साथ रहते हैं और इन सभी चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं। तो एज ए सोशल वर्कर इनका ये बड़ा रोल है यहाँ पे। और एक चीज़ और है कि ऑल्दो वो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, बट उनका एनर्जी लेवल इतना हाई है कि वो किसी भी काम में सोशल वर्क के लिए पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ के हमारे साथ आते हैं और उनका जो एनर्जी लेवल है वो बड़ा हाई है। ऑल्दो वो डिसेबिलिटी की परवाह किए बिना ही हर जगह पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में भी वो हमारे साथ रहेंगे और जो भी हम सोशल वर्क करते हैं वो हमारे साथ मिलके हमें पूरा अपनी सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे। शुक्रिया। मैं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार शर्मा, जिला राजौरी, सबसे ये निवेदन करता हूँ कि प्लांटेशन ड्राइव करें और जो हमारे पेड़ हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है। आज हम जिला राजौरी के डिग्री कॉलेज नौशहरा में पहुँचे हैं। यहाँ प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज नौशहरा जी के सहयोग से हमने पौधारोपण किया। ऐसे ही विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य शमशान घाट में, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पौधारोपण करने का ये मैंने बीड़ा उठाया है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं घुटनों के बल चलकर पौधारोपण करता हूँ, प्लांटेशन ड्राइव करता हूँ। और मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें